तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज 1C का। इस क्वेश्चन में कहा है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक्स की वैल्यू दी हुई है और हमें वाई की वैल्यू दी है, और हमें बोलता है एक्स स्क्वायर निकालो, वाई स्क्वायर निकालो, फिर एक्स इंटू वाई निकालो, फिर इन तीनों का एडिशन भी निकालो। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। पहले एक्स स्क्वायर निकालना है, तो पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर निकलेगा ना। अब हमारे पास जो एक्स दिया हुआ है, ये है हमारे एक्स की वैल्यू, ठीक है। हमारे एक्स की वैल्यू दी हुई है √5 − 2/√5 + 2। अब ये जो एक्स है, ये कुछ ज़्यादा ही गंदा है, इसकी थोड़ी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू प्रॉपरली नहीं दी हुई है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। फिर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे। डायरेक्टली एक्स स्क्वायर नहीं निकालना, डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायरिंग करोगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। डायरेक्ट स्क्वायरिंग मत करना, मतलब होता है सॉल्व स्क्वायरिंग करने से भी, लेकिन मत करना, क्योंकि पहले एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलो एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। √5 − 2, हमें एक्स की वैल्यू बहुत गंदी दी हुई है, मतलब फ्रैक्शन में दी हुई है, वो भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो उसको रैशनलाइज करते हैं। तो हमारे पास है √5 − 2 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास √5 + 2। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे √5 − 2 से नीचे भी और ऊपर भी। अब जब हमने नीचे ऊपर √5 − 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है √5 − 2 the whole square, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मिल रहा है a² − b², मतलब √5 का स्क्वायर − 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। जब भी a + b × a − b होता है, जब भी ये प्लस और ये माइनस वाले होते हैं, सो a + b × a − b हमारा a² − b² होता है। चलो इसके बाद x इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली बेसिकली x को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार x सिंप्लीफाई हो गया तो फिर एक्स स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो और √5 − 2 the whole square है न्यूमरेटर में, तो इसको हम करते हैं a² + b² − 2 × a × b, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है √5 का स्क्वायर दैट इज़ 5 और 2 का स्क्वायर इट इज़ 4, ठीक है। सो अब देखते हैं, एक्स की वैल्यू है मेरे पास √5 का स्क्वायर 5 + 4, ठीक है, −2 × √5 × 2, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। ये जो हमारा 2 है, ये 2, ठीक है, ये 2 और ये 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, और √5 / 5 − 4 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 + 4 9, 9 − 4 √5। अब देखो एक्स कितना अच्छा हो गया, एक्स इज़ नाउ वेरी नाइस। एक्स एक ऐसा इरेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर अच्छा है, मतलब रैशनल नंबर है। ये हमारा अभी तक एक्स की वैल्यू निकाली, अभी तक हमने सम को बिल्कुल सॉल्व नहीं किया, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू मिली है। अभी हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर वाई स्क्वायर भी निकालना है, तो पहले वाई की भी साफ सफाई कर लेते हैं, या तो चलो पहले एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलो एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, एक्स पता है, राइट। अब एक्स ये वाला नहीं लेना है, हमने एक्स को काफ़ी सिंप्लीफाई करके अच्छा बनाया है, तो उसका स्क्वायर करेंगे। 9 − 4 √5, ये हमारा एक्स है, और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो a − b² करना बहुत आसान है, इट इज़ 9² + 4√5 का स्क्वायर, ये हुआ a² + b² − 2 × a × b, राइट। तो चलो यहाँ पे आएगा 81 प्लस, ये देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 16 5 = 80 होता है दोस्तों। सो ये 80 हुआ, माइनस 2 9 = 8, 2 9 = 18, 18 4 = ठीक है 72 होता है, सो 72 √5। सो फाइनली मुझे मिला है 161 − 72 √5। ये है मेरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है दोस्तों। हमारा फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया, सो दिस इज़ आवर एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब हमें एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर भी निकालना है, बट वाई स्क्वायर के लिए वाई होना चाहिए, और वाई हमारा बहुत गंदा है, तो उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी। चलो फिर वाई को थोड़ा अच्छा बना देते हैं दोस्तों, ठीक है। सो हमारे पास जो वाई है वो है हमारा जो वाई है वो है √5 + 2/√5 − 2। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो √5 + 2 है, और नीचे है √5 − 2,
अब रूट फाइव माइनस टू डिनोमीटर में है तो हम उसको रैशनलाइज करने के लिए रूट फाइव प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर हमारे पास आएगा रूट फाइव प्लस टू द होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, और नीचे आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब होगा रूट फाइव का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर एक्सपांड करेंगे, रूट फाइव प्लस टू होल स्क्वायर को एक्सपांड करो, सो इट इज ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है, और अपॉन में रूट फाइव का स्क्वायर फाइव और टू का स्क्वायर फोर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब ये हो जाएगा फाइव प्लस फोर प्लस टू इंटू टू फोर रूट फाइव अपॉन ये हो जाएगा वन। सो दोस्तों आपको y की वैल्यू मिली है नाइन प्लस फोर रूट फाइव। ठीक है, आपको वैल्यू मिली है y की नाइन प्लस फोर रूट फाइव। अब y की वैल्यू नहीं निकालनी थी हमें, क्वेश्चन में बोला है y स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो चलो y स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, हमारी जो y की वैल्यू है वो हमें पता है, इट इज़ नाइन नाइन प्लस फोर रूट फाइव ना। सो हम y की जगह पे y स्क्वायर निकालने के लिए नाइन प्लस फोर रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू इंटू ए इंटू बी। ओके, सो यहाँ पे एट नाइन का स्क्वायर 81 प्लस ये हो जाएगा 80, क्यों हो जाएगा 80, फोर का स्क्वायर 16, रूट फाइव का फाइव, 16 फाइव ज़ा 80, प्लस यहाँ पे देखेंगे टू इंटू नाइन 18, 18 फोर ज़ा, ठीक है, 72 होता है, 72 रूट फाइव, तो यहाँ पे आया 161 प्लस 72 रूट फाइव, ये है हमारे वाई स्क्वायर की वैल्यू। सो दोस्तों हमें वाई स्क्वायर भी मिल गया, हमें एक्स स्क्वायर भी मिला, हमें वाई स्क्वायर भी मिला। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है थर्ड पार्ट एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई वो भी आसान है, निकाल देते हैं। ठीक है, एक्स इंटू वाई निकाल देते हैं। सो एक्स इंटू वाई निकालने के लिए हम जो x की न्यू वाली वैल्यू है, ठीक है, हम चाहें तो हम x की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम इन दोनों को यूज़ करके, क्योंकि हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होके वन ही आएगा। ठीक है, तो एक्स वाई निकालने के दो तरीके हैं, एक है x की न्यू वैल्यू ले ली, फोर माइनस फोर नाइन माइनस फोर रूट फाइव, और y की वैल्यू है नाइन प्लस फोर रूट फाइव। अब ये बन गए a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सो ये नाइन स्क्वायर माइनस, जैसे ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, सो लकीली ये दोनों मिलके a प्लस बी a माइनस बन रहे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो गया इस तरह से। और 81 माइनस 80, ठीक है, इज गोइंग टू बी वन। This is one of the way to find x y. There is other way also. You can use the actual question में जो value दी है x और y की, that is root 5 minus 2 upon root 5 plus 2. ये हमारा x की value है into root 5 plus 2 upon root 5 minus 2. ये हमारे y की value है. और अब ये expression इसके साथ cancel होगा, ये इसके साथ cancel होगा, तो answer 1 आएगा. तो हम new values भी use कर सकते हैं, old values भी use कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपको आंसर वही आएगा। एंड इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो ये है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली थी 161 माइनस 72 रूट फाइव, और वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली थी 161 प्लस 72 रूट फाइव, और एक्स वाई की वैल्यू 1 मिली थी, जिससे ये कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 322। ठीक है, 161 प्लस 161 होता है 322, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें 323 मिलेगा। दैट्स इट, आई होप सबको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। इट इज़ अ वेरी इजी सम, एक्स स्क्वायर निकालना था, वाई स्क्वायर निकालना था, फिर एक्स वाई भी निकालना था, और फिर उन चारों को ऐड करना था, राइट। सो लेट्स सी यू, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।